बड़े पॉश से कनाडा के सजे सजाए हाउस टूर तो आपको चैनल पे ना मैंने बहुत दिखाए हैं। ये घर है जो पापा बना रहे हैं, हमारा घर बन रहा है, ये 4 स्टोरी है। जब हम लोग इंडिया में रहते थे ना पहले सेक्टर में 14 सेक्टर में, उस टाइम पर ना इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग अलाउड नहीं थी बनानी, मैक्सिमम लोग 2 फ्लोर ही बनाते थे। अभी लेटेस्ट मतलब आई गेस हो गए हैं कुछ साल, हुडा ने सेक्टर्स में, हिसार की बात करते हैं ठीक है, और हुडा की बात करते हैं तो हिसार में अलाउड कर दिए, आई गेस हर जगह ही कर दिए, हुडा तो जहाँ पे भी है पूरे हरियाणा में उन्होंने अलाउड कर दिया कि जो भी प्लॉट 200 गज है और 200 गज से ज्यादा क्या है ना वो 4 फ्लोर तक बना सकते हैं। तो डिफरेंट पता क्या हुआ है, हमारे टाइम पे ये नहीं था, हमारे टाइम तो वैसे बोले मैं बड़ी बुड्ढी हो गई हूँ, लेकिन जब हम लोग रहते थे यहाँ पे हिसार में रोहतक में ऐसे छोटे छोटे शहरों में फ्लोर सिस्टम नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर भी फ्लोर सिस्टम आ गए हैं, लोग 4 फ्लोर घर बना रहे हैं, 4 स्टोरी बना रहे हैं, 1 फ्लोर अपने पास रख रहे हैं, 3 बेच रहे हैं और लिफ्ट लगा रहे हैं। मतलब लिफ्ट तो वो चीज़ है, जब मैं पढ़ती थी ना कॉलेज में, तो जब मैं MBA करने गुड़गांव में गई थी तो गुड़गांव में जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ पे हमने पहली बार लिफ्ट देखी थी, और मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं करी, 2008 की बात कर रही हूँ। तो 2008 तक तो ना हिसार में लिफ्ट सिर्फ एक शोरूम में हुआ करती थी, मद्रास हैंडलूम में आई गेस वही नाम है, तो वहाँ पे लोग स्पेशल लगा ना लिफ्ट वाला शोरूम। और अब यहाँ पे सेक्टर में सभी 200 गज 300 गज 500 गज की जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे फ्लोर्स बन गए हैं, हर घर घर में लिफ्ट लगी हुई है। तो भैया इंडिया तरक्की कर रहा है। तो मैं देखने आई हूँ पापा का ये घर कैसा बन रहा है। 1st फ्लोर हम लोग अपने पास रखेंगे और बाकी 3 फ्लोर सेल कर देंगे। तो और ग्राउंड फ्लोर पे ना पार्किंग बना रहे हैं, 270 स्क्वायर यार्ड्स का, मतलब 270 गज का प्लॉट है ये, तो उसमें 4 फ्लोर बनेंगे। तो मैं अब देखने आई हूँ कि पापा कैसे बना रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 साल और लग जाएगा इसको बनने में। तो मैं अब जब अगली बार आऊँगी तो डेफिनेटली पापा और इस घर में शिफ्ट हो चुके होंगे, तो जब अगली बार आएंगे तब भी आपको लेकर आएंगे, तब ये बना बनाया घर देखेंगे, बट आई गेस 2 साल के बाद ही हो पाएगा ये तो, लेकिन अभी देखते हैं कैसा बन रहा है। तो फ्रंट बहुत अच्छा है यार घर का, अच्छा लग रहा है, इसमें आराम से इंडिया में एटलीस्ट 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ रखने का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है मिडिल क्लास फैमिलीज में, छोटे शहरों में, बिकॉज यहाँ पर तो यार मार्केट में निकलो तो गाड़ी देखकर ऐसा लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हैं, ऐसे 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 निकल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है भाई यहाँ पे गाड़ी चलाना, लेकिन हर घर में एक गाड़ी तो होती है। तो ये ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग है, यहाँ 2 व्हीलर्स भी सबके आ जाएंगे 4 फ्लोर के लोगों के, और 4 गाड़ियाँ बड़े आराम से पार्क हो सकती है। ये गेटेड कम्युनिटी होने वाली है, 4 फ्लोर भी यहाँ पे हैं तो कम्युनिटी का नाम ही दे रहे हैं कि यार कम्युनिटी बना रहे हैं। एक छोटा गेट लगने वाला है और एक बहुत बड़ा गेट रखने वाला है, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिस बनने वाला है। वैसे ये पार्किंग एरिया देखो कितना बड़ा है, हाँ अमित कह रहे हैं चौकीदार की ना स्टोरी में बता रहे। जब मैं छोटी थी ना मेरी दादी माँ रहते थे महम में, तो हम लोग अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने जाते थे महम दादी के पास, और मैं छोटी थी मतलब बांधकर चलो 7-8 साल की होंगी, तो वहां रात को ना चौकीदार आया करता था गलियों में, वो लाठी लेकर टक 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 करता, पता नहीं क्या मतलब मेरा क्या पिछले जन्म का अटैचमेंट था चौकीदार की उस लाठी वाली आवाज से। रात को 2-3 बजे भी चौकीदार आता था ना, मैं उठ जाती थी चौकीदार देखना है, और मैं देखती थी चौकीदार, और मेरे को चौकीदार देखना इतना अच्छा लगता था। तो ये बहुत सालों तक चला, उसके बाद मैं आई गेस 2-3-4 साल तक महम नहीं गई होंगी, बड़े हो गए थे। तो जब मैं 10th में 11th में हो गई ना, फिर दोबारा महम गई, उस टाइम दादी अकेले रहती थी वहाँ पे, चाचा भी शिफ्ट हो गए थे हिसार में। तो जब चौकीदार आया ना तो मैं भाग के गई, चौकीदार आ गया, और मैं देखने के लिए गई, दादी कहती नहीं देखना चौकीदार अब, तब मेरे को लगा यार बड़े हो गए यार अब चौकीदार भी नहीं देख सकते, दादी कहती चौकीदार क्या सोचेगा कि वो एक जवान लड़की चौकीदार आ गया, चौकीदार करके मेरे को देखने के लिए आ गई है, फिर भाग के उसके बाद फिर चौकीदार देखना छूट गया। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उसके लिए वॉशरूम बनेगा, और यहीं पे मेरे ख्याल से उनका एक छोटा सा कमरा हो जाएगा उनके रहने के लिए, ये नहीं कोई फैमिली रहेगी पूरी सिक्योरिटी गार्ड की, एक अकेला सिक्योरिटी गार्ड रहेगा तो यही रहा करेगा, यही सोया करेगा, और बाकी फिर भी इनफ जगह है 4 गाड़ियां और 4-5 2 व्हीलर्स खड़ा करने के लिए, काफी अच्छी जगह। अब चलते आपको लिफ्ट वाला एरिया दिखाती हूँ, कहाँ लिफ्ट लगेगी। तो यहाँ पे लिफ्ट आएगी और ये लिफ्ट पूरी ऊपर 5th फ्लोर तक जाएगी, 1st फ्लोर पे भी रुकेगी, 2nd पे भी रुकेगी, 3rd पे भी रुकेगी, 4th पे भी रुकेगी, और शायद 5th फ्लोर छत पर भी जाएगी, 5th फ्लोर वुड भी छत, मतलब डेफिनेटली लिफ्ट सारी फ्लोर पे जाएगी, मजाक कर रही हूँ मैं ये। और ये स्टेयर्स हैं,
अब पता है जो मेरा भाई है ना और भाभी वगैरह है बहन है वो पापा को ना बड़ा गुस्सा कर रहे हैं कि आपने यार इतनी चौड़ी चौड़ी वो बनवा दी। हाँ मम्मी भी कह रहे हैं देखो अमित के कि ना बहुत ही चौड़ी चौड़ी वो बनवा दी है सीढ़ियां, इतनी चौड़ी सीढ़ियां बनाने की जरूरत नहीं थी बिकॉज सभी ने लिफ्ट यूज कर ली है। बट मेरे को और अमित को ना फिर भी ठीक लग रहा है कि यार इतनी चौड़ी ना सीढ़ियां होनी चाहिए। ठीक है हम लोग कैनेडा से आए हैं, कैनेडा में तो क्या है जगह की कमी नहीं है, जो भी घर होते हैं वो बड़े बड़े घर होते हैं तो सारी चीजें चौड़ी चौड़ी होती है। बट इंडिया में कॉन्सेप्ट है कि यार जो चीजें फालतू की है ना जिनमें सिर्फ तुमने 2 मिनट लगाने हैं ऊपर से डीजे चढ़ने में वो कम से कम रखो ताकि बाकी घरों में जगह एक्स्ट्रा बढ़ जाए। बट यार मेरे को लगता है कि यार कोई सामान ऊपर लाना हो ले जाना हो तो सीढ़ियां इतनी चौड़ी तो होनी चाहिए कि 2 लोग भी सीढ़ियों में साथ में चढ़कर जा सके। या आप बताओ यार इतनी सीढ़ियां होनी चाहिए थी या फिर कमी होनी चाहिए थी, फिर पापा को बताएंगे कि बाकी सबने क्या बोला है। तो ये विंडो हो जाएगी एक जो मतलब सीढ़ियों में नेचुरल लाइट देगी दिन के टाइम पे। ये यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की लिफ्ट रुकेगी आके, ये छोटा सा लॉबी एरिया हो गया और यहाँ पे मेन डोर होगा फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री करने का। अभी यहाँ पे लाइट्स नहीं है, बन रहा है, दिन का टाइम है, वीडियो बना रहे हैं बट फिर भी थोड़ा अंधेरा होगा यार, एडजस्ट कर लेना। आ जाओ यार, एक्चुअली यहाँ पे ना वो हो रहा है पानी वानी सारा सीमेंटेड हुआ है ना अभी तो पानी का छिड़काव वगैरह हो रहा है तो पूरा पानी पानी है। तो आपको थोड़ा ऐसे ही दिखाते हैं जैसे कि वो किचन एरिया है। खतरों के खिलाड़ी खेल रही हूँ मैं यहाँ पे आपको टूर देने के लिए। तो ये किचन एरिया है तो यहाँ पे अच्छी चीज ये कि तो काफी बड़ा है, मतलब किचन छोटी नहीं बनाई है। क्या होता है मुझे ये लगता है कि यार घर में ना किचन कितनी बड़ी हो कम पड़ी जाती है जगह, किचन छोटी पड़ी जाती है तो बाकी चीजें जगह चाहे कम कर दो बट किचन ना पूरी खुली बड़ी रखनी चाहिए। तो ये सिंक एरिया भी मैंने काफी बड़ा रखा है ताकि दो बड़ी बड़ी सिंक्स आ जाए। और ये थोड़ा सा जगह बनाई है फ्रिज रखने के लिए। तो मतलब अब पता है कि यार किचन में ये अप्लायंसेस होते ही है तो उनकी सबकी अपनी अपनी जगह रख ली है। और यहाँ पे जैसे आपने मेरे घर में भी देखी है ना, मेरे घर का हाउस फ्लोर भी देखा ही है आप लोगों ने, नहीं देखा तो यार अब जाकर देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे उन्होंने एक पैंट्री के लिए जगह छोड़ी है। इंडिया में ना क्रॉकरी के लिए भी कलमीरा बड़ा चलती है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कैनेडा में ज्यादा नहीं, कैनेडा में क्रॉकरी रखने के लिए ना अलग से हट जाते हैं डाइनिंग रूम के फिट के, वो भी बड़े बड़े बंगलोज में और पुराने स्टाइल में आते थे, आजकल नहीं आते। बट इंडिया में अभी भी फैशन है वो ग्लास व्लास लगाकर ब्यूटीफुल सी अलमीरा बनाकर वहां पे अपनी महंगी वाली चाइना बोन चाइना वाली क्रॉकरी रखने का फैशन है। तो ये एक बेडरूम है और ये दूसरा बेडरूम है। आ जाओ भाई, ये सारा बहुत गीला है बट दिखाने के लिए आपको कुछ भी, मिशन अकम्प्लिश्ड। तो ये यूनिक प्रतीक्षा का रूम होने वाला है। तो बेस्ट पार्ट इस रूम का ये है यार, विंडो बहुत बड़ी है जिससे पूरा ग्लास लगेगा और विंडो रूम के साथ ही अटैच बालकनी हो गई तो व्यू भी अच्छा आने वाला है, मतलब नेचुरल सनलाइट व्यू तो क्या ही आता है, यहाँ सनलाइट अच्छी आएगी, एयरी रूम है, फुल ऑफ सनलाइट रूम है। और अभी पीछे ना पूरा एंड तक कुछ भी नहीं बना, यहाँ पे पूरे खाली खाली प्लॉट्स पड़े हैं और इवन ना कुछ बड़े बिल्डिंग्स वगैरह जैसे कम्युनिटी हॉल हो गए या फिर कुछ ऐसा हॉस्पिटल वगैरह हो गए इस तरह का, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बट इस तरह की कोई चीज अप्रूव्ड है तो पता नहीं उसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगी, कम्प्लीशन कब होगी, कब बनेगा। बट उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ साल तक ना ये पूरी जगह ऐसी कैसी ओपन रहनी है तो लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी है। और साथ में यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है और अटैच वॉशरूम है। तो ये एक ड्रेसिंग रूम जैसे हमारे कनाडा में चलते हैं ना अटैच क्लोसेट्स चलते हैं, क्लोसेट्स में हम लोग कपड़े वपड़े रखते हैं अपने, यहाँ पे अटैच ड्रेसिंग रूम चलते हैं तो पूरा ड्रेसिंग ड्रेसिंग लगाकर मेकअप रूम हो गया, चेंजिंग रूम हो गया ऐसा है। और अंदर छोटा सा वॉशरूम है, बहुत बड़ा नहीं है बट एक स्टैंडिंग शावर विद ग्लास पैनल आ जाएगा, दिखाती हूँ आपको। कई लोग पूछ रहे थे कि 3 साल के बाद कनाडा से इंडिया आकर क्या चीज इंडिया की अच्छी लग रही है, क्या चीज कनाडा की अच्छी लगती है। तो पता है ये चीजें तो पुरानी हो गई कि यार यहाँ पे ये चीज सस्ती मिलती है, वहाँ ये चीज महंगी मिलती है, यहाँ ये चीज मिल जाती है, वो तो सबको पता है यार, हर कंट्री की सैलरी के हिसाब से बेसिक चीजों की रेट रहती है। बट कनाडा में जो चीज हम बहुत मिस करते हैं ना वो है ये धूप, फिर धोकर हेयर ड्रायर से बाल ना सुखा के धूप में खड़े होकर ना सनलाइट में बाल सुखाना, ये वहां पे नहीं मिलता। तो ये यहाँ पे दोनों कमरों के साथ ऊपर एरिया हो जाएगा, बालकनी हो जाएगी,
रात को सैर करने के लिए या फिर दिन में धूप सेकने के लिए, इट्स अ गुड प्लस. जब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी इन प्लॉट्स पे, डेफिनेटली ये बैल्कनी अपना वो जो चार्म है वो लूज कर देगी. बट यार जब तक चीज नहीं होती उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए. अभी के लिए तो बहुत धूप भी आएगी, सनलाइट भी आएगी और खाली है सारा. ये यहाँ पे इंडिया में बुरी बात लगती है मुझे कि यार ये जो इस तरीके से झोपड़ियाँ बना बना कर लोग बैठ जाते हैं, बट वही है यही लोग हैं जो घरों में काम करते हैं, सफाई करने आते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो इनको भी रहने के लिए जगह चाहिए. कहाँ पे कहीं और रहकर फिर यहाँ पे ट्रैवल करेंगे एंड ऑल. तो ये वो चीज़ है जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते और ज़रूरी भी है. अब इस कमरे में हम लोग पीछे से एंट्री कर रहे हैं बालकनी से, तो ये पापा मामा का रूम होने वाला है. क्योंकि ये बड़े लोगों का रूम है तो इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, ड्रेसिंग रूम भी है, अटैच वॉशरूम भी है, साथ में इसके साथ अटैच स्टोर रूम है. अब वही है जैसे मैंने आपको वहाँ पे बोला कि यार इन कैनेडा होता तो वो इसको अटैच क्लोजेट बोलते हैं, जहाँ पे हम अपने कपड़े वपड़े टांगते हैं. आपने देखा ये क्लोजेट्स कैसे होते हैं कैनेडा में. यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ स्टोर्स चाहिए होते हैं, ट्रंक रखे होते हैं. हमारे वहाँ पे स्टोर क्या होते हैं, गैराज. हमारे गैराज में गाड़ियाँ नहीं होती है, ये सारी चीज़ें ही होती है. तो यहाँ पे घरों में स्टोर्स होते हैं. ओ गॉड, यहाँ पे तो ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी है. ये सारा पानी पानी है तो कॉपी पेस्ट कर लो उस रूम का, ये रूम कॉपी पेस्ट कर लो. और अच्छी बात इंडिया के घरों में ये होती है कि कनाडा में ना 10 फीट सीलिंग 11 फीट सीलिंग ना लग्जरी आती है कि यार वाह, वरना नॉर्मल 8 फीट या 9 फीट सीलिंग चलती है वहाँ पे. इंडिया में सीलिंग्स इतनी ऊंची ऊंची होती हैं घरों की, हमें लगता है अब 3 साल बाद देख के लग रहा है कि यार वाह छत तो बहुत ऊंची है. मिनिमम इंडिया में 12 फीट की सीलिंग होती है. 12 फीट की सीलिंग बहुत होती है कनाडा के हिसाब से, तो 12 फीट की सीलिंग यहाँ होती है. तो यहाँ से बाहर आते हैं, हॉल दिखाती हूँ और बाकी दो रूम्स दिखाती हूँ. तो ये 270 स्क्वायर यार्ड्स में आगे पीछे जगह छोड़ के 4 बेडरूम हाउस होने वाला है, साथ में हॉल रूम डाइनिंग रूम अपना अलग से हो गया. और कनाडा के हिसाब से कैलकुलेट करो 270 स्क्वायर यार्ड्स मतलब 270 गज का प्लॉट कनाडा के 2500 स्क्वायर फीट के आसपास का हो गया. तो ये पूरा हॉल रूम होने वाला है, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम जो भी मांग लो. तो अच्छा खासा बड़ा है, यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग भी आ सकता है और ड्राइंग रूम के टाइप का यहाँ पे सोफा सेट वगैरह सब आ सकता है. और ये मंदिर है, ये भी इंडियन घरों में एक नेसेसिटी होती है, हर घर में एक मंदिर तो बना ही होता है. तो ये पूरा एरिया मंदिर या फिर पूजा घर आप बोल सकते हो जो यहाँ पे अभी बनेगा. तो इसको अपने हिसाब से टाइल्स वाइल्स, भगवान जी वाली टाइल्स, फोटो वाली टाइल्स यहाँ पे लगेंगी. और ये दूसरा रूम है, ये इकलौता ऐसा रूम है जिसमें अटैच वॉशरूम नहीं है, बाकी 3 बेडरूम्स में अटैच वॉशरूम है. और यहाँ पर भी जैसे बाकी दो रूम्स के अंदर अटैच बालकनी है कि रूम्स के साथ बालकनी बनी हुई है बाहर जा सकते हो, तो इन दो रूम्स के साथ भी ऐसी ही अटैच बालकनी बनी हुई है. तो ये भी अच्छा खासा बड़ा एरिया है और यहाँ पे ये जाके एरिया थोड़ा वाइड भी हो जाता है, जैसे ये एरिया हो. तो हमारे घर में एक झूला है काफी बड़ा सा स्टील का, तो यहाँ पे अब प्रतीक्षा का प्लान है कि वो झूले की जगह प्रॉपरली यहाँ पे बनी जाएगी. तो यहाँ पे झूला रखकर प्रतीक्षा पूरी निगरानी करेगी गली की कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसके घर कितना रुक कर गया, कौन सी कार लेकर आया. तो यहाँ पर तो ना इंडिया में सारी औरतों का ही जन्म से अधिकार होता है पूरी गली के ऊपर नजर रखना कि चल क्या रहा है. मतलब प्रतीक्षा नहीं करेगी, ये मेरी मम्मी करेगी. तो यहाँ झूले पर बैठेंगे और पूरी गली पर निगरानी रखेंगे. और ये फोर्थ रूम हो गया, मतलब चारों रूम्स के साथ ये अटैच बालकनी ओपन एरिया हो गया है. बड़ी बड़ी विंडोज हैं तो एयर की सनलाइट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. तो ये हाँ, लेकिन ये दोनों रूम्स जो है ना, ये पापा मम्मी और प्रतीक्षा के रूम से थोड़े छोटे हैं क्योंकि वो दोनों मेन लोगों के रूम है. ये अब एक यारीना को मिल जाएगा, एक मेरे को मिल जाएगा, कभी हम आया करेंगे, मतलब गेस्ट रूम टाइप हो गए. तो ये दोनों ही गेस्ट रूम टाइप हो गए तो ये इतने बड़े बड़े नहीं है, बट एटलीस्ट इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम है तो मैं जब भी आया करूंगी मैं इस रूम में रहा करूंगी. तो यहाँ पर भी स्टैंडिंग शावर और पैनल वगैरह बनाकर अच्छा सा एक वॉशरूम बन सकता है. तो अभी आपने ये घर देखा है जब बन रहा है, मतलब मेरे ख्याल से 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज जब इंटीरियर होने लगते हैं ना तब ज्यादा टाइम लगता है.
तो अभी आपने और मैंने घर को इस लुक में देखा है। जब दोबारा इंडिया का ट्रिप लगेगा तब देखेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोनों वीडियोस देखकर कंपेयर करेंगे कि अच्छा यार ऐसे बिफोर आफ्टर की फोटोज हो जाएंगी। इसके ऊपर तीन और फ्लोर्स हैं और तीनों बिल्कुल सेम बने हुए हैं, बिकॉज आगे पीछे तो ये जगह छूटी गई है, तो जितना ये बना हुआ है एग्जैक्टली सेम ऊपर के दो फ्लोर्स, तीन फ्लोर और बने हुए हैं बिकॉज ये फोर फ्लोर हाउस है। तो फर्स्ट पापा, मैं तो कह रही हूँ पापा मेरे को कि आप फोर्थ रखो और उसके ऊपर के, क्योंकि मोस्टली ये ऐसा होता है कि जो लास्ट फ्लोर लेता है ना उसको छत भी साथ में मिलती है। इस घर की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो पापा कह रहे हैं मैंने इतनी सॉलिड कर दिया ना कि कभी भी पाँचवा फ्लोर अप्रूव हो गया तो हम फिफ्थ फ्लोर भी बना सकते हैं। तो फिफ्थ फ्लोर तो वही बनाएगा जिसके पास फोर्थ फ्लोर होगा। तो मैं तो पापा को बोल रही हूँ फोर्थ फ्लोर ही रखो, लिफ्ट है, क्या फर्क पड़ता है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हो या फोर्थ फ्लोर पे हो। बट हिसार में रोहतक जैसे शहर में पता क्या होता है, लाइट चली जाती है। ये तो उनको लगा कि यार कभी लाइट चली गई और चौथे फ्लोर पे जाना पड़ा तो जान निकल जाएगी, तो बेटर है कि अपना फर्स्ट फ्लोर ही रखो। आपको क्या लगता है यार कौन सा फ्लोर रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो चारों ही हमारे हैं, कोई भी रख लेंगे। बताओ यार पापा को, पापा को मैं सलाह दूंगी, पापा मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं कि आपको फोर्थ फ्लोर लेना चाहिए या फर्स्ट फ्लोर लेना चाहिए। और आज आपको क्या इतना पानी था फिर भी टूर बनाया, बाद में बना लेते हैं। तो कल हम जा रहे हैं रोहतक, अमित के होम टाउन। मेरे होम टाउन तक का सफ़र यहीं तक था, आज मेरा आखिरी दिन है हिसार में, कल व्लॉगिंग शुरू होगी रोहतक से। तो आपको मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।